अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका भाई वकास आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज संडे का दिन है और मैं सुबह सुबह उठा हूँ, नाश्ता किया, तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी। तो जिन भाइयों ने मेरा कल का व्लॉग देखा उनको आइडिया होगा कि मैंने बताया था कि कल एक नए फ़ोन के साथ व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। अभी हम अपने मैं 3 साल बाद जो है ना अपनी ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ। गाँव में हमारी ज़मीन है, पहले तो हम कभी नहीं गए उस ज़मीन की तरफ, लेकिन आज सिर्फ वीडियो की वजह से मैं उस ज़मीन पर जा रहा हूँ। और एक मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, वो बाइक चला रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो हम वहाँ पे जाके आपको जो है ना गाँव की खूबसूरती थोड़ी सी दिखाते हैं। ये हम अपनी जो है ना ज़मीन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये हमने गंदम काश की हुई है, ये गंदम है और यहाँ पे गन्ने की फसल। ये हम अपने पहुँच गए हैं यहाँ पे और अपने ज़मीन पे पहुँच गए हैं। ये जो है ना, ये यहाँ पे तोरिया काश की है जिसको सरसों कहते हैं उर्दू में, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा था क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, तकरीबन 3 साल के बाद यहाँ पर आया हूँ, तो वो भी सिर्फ पर्पज़ था मेरा वीडियो बनाना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब ये देखिए जनाब, ये फिजान भाई बाइक चला रहे थे, तो ये भी हमने यहाँ पे गंदम काश की हुई है। तो अभी तो बिल्कुल छोटी छोटी है, इसको 4 से 5 माह लग जाने हैं। वो वहाँ पे हमने जो है ना गन्ने की फसल जो है ना काश की हुई है। तो मैंने कहा कि आज संडे का दिन है, 3 साल का चक्कर भी लगा लेते हैं और साथ ही यहाँ पर ना अमरूद के दरख्त लगे हुए हैं तो वो भी खा लेते हैं। ये आपका भाई है पैदल जो है ना वाकशा कर रहा है डेरे में अपने, और मैंने कहा चलो आप लोगों को भी साथ साथ जो है डेरे की सैर करवा देते हैं। ये हम अपने जहाँ पे अमरूद लगे हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे तो अमरूद जो है ना लोग जो है ना तोड़ के खुद ही खाते रहते हैं। तो अभी देखते हैं कुछ चीज़ इस पर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। ये अमरूद का दरख्त है, यहाँ पे कच्चे से अमरूद लगे हुए हैं। ये हमारे भाई बांदरों की तरह छलांग लगा के अमरूद तोड़ रहे हैं। ये देखें, ये इसने एक पका, भाई एक मुझे भी दो। ये अमरूद है, आधा कच्चा है तो आधा पक्का है। वैसे अमरूद खाने का मज़ा ही कच्चा पक्का आता है, तो मैं आपको खा के बता देता हूँ। खट्टे मीठे से अमरूद हैं, इतने मीठे नहीं है क्योंकि अभी पके नहीं हुए। यहाँ पे लोग आते हैं और जो है ना कच्चे ही तोड़ के खा जाते हैं, तो कच्चे तोड़ के दो खाने का फ़ायदा नहीं है। फिजान भाई आगे लगे हुए हैं, आप कच्चे ना तोड़ें। तो ये भी एक पेड़ है, दरख्त है अमरूद का, इस पर भी तकरीबन कच्चे लगे हुए हैं। असल में मौसम तो अमरूद का है, लेकिन ये असल में मौसम तो अमरूद का ही है, लेकिन जो ये हमारे अमरूद हैं ये ज़रा मेरा ख्याल है कोई देसी इनकी कोई जो है ना किस्म है, ये ज़रा लेट पकते हैं। तो अभी तो मेरा ख्याल ये कच्चे लगे हुए हैं सारे, तो देखते हैं अगर कोई खाने को मिलता है हमें कोई अच्छा सा अमरूद। ये देखिए जी, एक ये दरख्त है अमरूद का। फिजान भाई इसके ऊपर लगे होंगे कोई पक्के अमरूद ना, यहाँ से उतार लें आप। नहीं लगे हुए कहीं भी नहीं मिले हैं, वो तो वो हमारे नहीं है, वो किसी के हैं। ये फिजान भाई हैं, ये कह रहे हैं कि वो सामने 3 दरख्त लगे हुए हैं, ये वाले जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ पे, यहाँ से खाते हैं। मैंने इनको बताया ये हमारे नहीं है, ये किसी के हैं। खैर वहाँ पे जाके देखने जाना, चले वहाँ पे जाके हम देख लेते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारी हुई है, बहुत ग्रीन सब्ज और घनी गंदम है ये वाली ना। भाई वो देखें, सेम वही
वो देखें ऊपर, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, ये अमरूद पका हुआ है बिल्कुल। कौन से वाला? ए जिस पे मैं हिट करने लगा। अच्छा, ये वाला अमरूद पका हुआ है। ये और इसके ऊपर जो कहानियों में लिखा होता है कि वो चुगे खेत, ये वाला अमरूद पका हुआ है। हाँ ये वाला इसको जो है इसको उतार लो। हाँ इसको उतारेंगे भी और दिखाएंगे। इसको उतारो, ये देखें हाफ खा चुके हैं परिंदे, दिखाएं, ये देखें हाफ परिंदे खा चुके हैं। ये असल में पक्का अमरूद था ना, तोते इसको खा जाते हैं आगे, जो पैरट होते हैं ना वो इसको आगे खा जाते हैं। दिखाएं कैसा ये खाने वाले हैं हम। ये बड़ा ज़बरदस्त ताज़ा अमरूद है, अभी हमने उतारा है यहाँ से दरख्त से। इधर देखें बहुत प्यारे प्यारे अमरूद लगे हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में ये आपका भाई है, और मेरी भी तस्वीर भी खैर बहुत माशाल्लाह अच्छी आ रही है। आप भाइयों ने बताना कि फ़ोन का रिज़ल्ट कैसा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है और स्टेबिलिटी कैसी है। वैसे मेरा मकसद तो स्टेबिलिटी था कैमरे की, लेकिन माशाल्लाह वाकई स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ना बैटरी का मुझे इशू लग रहा है फ़ोन में। कैमरा तोड़ के खाने लगे हैं, लेकिन अंदर से ख़राब था। या आपने आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अंदर से ख़राब अमरूद नहीं खाना। और हम इसको अब दे रहे हैं फेंक। आपके भाइयों ने ये जो है ना अपने खेतों की और डेरे की सैर वगैरह कर ली है, तो 5-7 अमरूद हमने तोड़े हैं। बाकी अमरूद जो है ना वो कच्चे थे, तो इसलिए हम उसको तोड़ नहीं सके, और कच्चे खाने का मज़ा नहीं है। वैसे तो हमने घर लेके आने थे, तो हम नहीं लेके आए क्योंकि अमरूद कच्चे थे। सोचा के साथ साथ आपको भी थोड़ी है ना जो गाँव की सैर करवा देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम जो है ना कुछ दोस्त यहाँ पर गुड़ भी बना रहे थे, लेकिन वो 2 दिन पहले उन्होंने बंद कर दिया। खैर आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है कि आप लोगों को ये गांव का व्लॉग जो है ना, गांव की ये जो खूबसूरती है ये पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को गांव की खूबसूरती पसंद आई होगी। अब हमने अमरूद वगैरह खा लिए हैं, तो पानी शानी भी हमने पी लिया, और तो कुछ यहाँ पे खाने वाला नहीं है। गन्ने हैं, गन्ने नहीं हम खाएँगे। तो अभी आज के लिए इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।